गोविंदा पहुंची भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा, कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर किया स्वागत, प्रताप सर्किल पर की सभा, प्रदेश अध्यक्ष जोशी ने दिलाया सरकार बदलने का संकल्प। नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। गुरुवार रात को 8 बजे भाजपा की परिवर्तन संकल्प यात्रा गोगुंदा के प्रताप सर्किल पर पहुंची, जहां भाजपा के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने फूल बरसा कर यात्रा का स्वागत किया। फूल बरसाने के लिए 3 जेसीबी मशीनें मंगाई गई। भाजपा के दर्जनों कार्यकर्ता फूल लेकर जेसीबी मशीनों के लोडर में लोड हुए और यात्रा के रथ के प्रताप सर्किल पर पहुंचने पर फूल बरसाए। इस दौरान दयालाल चौधरी व पूर्व उप प्रधान पप्पूराणा भील ने टीम के साथ ढोल नगाड़ों की थाप पर नाचते हुए स्वागत किया। यात्रा के रथ पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद शामर, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली व एडवोकेट कुलदीप शर्मा मौजूद थे। इन्होंने लोगों का अभिवादन किया। स्वागत का दृश्य कुछ ऐसा था, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। आपको बता दें कि करीब 5 बजे यात्रा गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश हुई थी। क्षेत्र के समीजा गांव में यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। वहां पर सैकड़ों दुपहिया वाहन रथ यात्रा के साथ शामिल हुए। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में यात्रा वास पड़ावली कला होते हुए गोगुंदा के प्रताप सर्किल पर पहुंची। प्रताप सर्किल पर सभा आयोजित की गई। यहां बैठने के लिए कुर्सियों की व्यवस्था की गई। सबसे पहले मंच पर बड़ी फूल माला से प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का स्वागत किया गया। सभा को संबोधित करते हुए जोशी ने कहा कि कांग्रेस भगवा पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास करती है, लेकिन अब भगवा लहराएगा और सनातन धर्म का डंका पूरे विश्व में बजेगा। उन्होंने कहा कि गत चुनाव में कांग्रेस सरकार सुशासन लाने के वादे पर सत्ता में आई, लेकिन सत्ता हासिल करने के बाद गहलोत सरकार वादा भूल गई और भ्रष्टाचार में डूब गई। पूरे 5 साल तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी कुर्सी बचाने में ही लगे रहे। अब इस सरकार को विदाई देने का समय आ गया है। भाजपा सरकार के समय में प्रदेश में हुए काम गिनाते हुए जोशी ने कहा कि भाजपा ने हर गांव में स्कूल खोले, हर गांव में सड़कें बनवाई, हर घर में शौचालय बनवाए, वो हर व्यक्ति का बैंक में खाता खुलवाया। कांग्रेस नेताओं ने तो अपने घर भरे। उन्होंने कहा कि गोगुंदा के लोगों ने तो 2018 के चुनाव में भी कमल का फूल खिलाया था, इस बार भी कमल को जीता है। उन्होंने सभी को संकल्प दिलाते हुए कहा कि कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को हराना है और भाजपा की सरकार लाना है। सभा को देहात जिलाध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान, यात्रा के सह संयोजक दामोदर अग्रवाल, बिलवाड़ा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली, मावली के पूर्व विधायक शांतिलाल चपलोत, विधायक प्रतापलाल गमेती, उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली, पूर्व उप प्रधान पप्पूराणा भील व उप प्रधान लक्ष्मण सिंह जाला ने संबोधित किया। इस दौरान पूर्व जिलाध्यक्ष भंवर सिंह पमार, यात्रा के संयोजक चुन्नीलाल गरासिया, प्रधान सुंदर देवी, एसटी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष शंभू गमेती, एसटी मोर्चा के शैलेंद्र, मंडल अध्यक्ष चंद्रेश फतावत, नवल सिंह चदाना, दिनेश सेन, अशोक जोशी, मंडल संयोजक डीसी मेघवाल, पूर्व प्रदेश महामंत्री सुशील कटारा, विधानसभा प्रभारी मनोज चौधरी, गोगुंदा प्रभारी भरत भानु सिंह देवड़ा व गोगुंदा सरपंच कालूलाल गमेती सहित भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने गोगुंदा में कमल का फूल खिलाने व भाजपा को जिताने का संकल्प दिलाया। फिर से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शासन लाना है और राजस्थान से ये नकारा और निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार को हमेशा हमेशा के लिए राजस्थान से विदाई देनी है। गोगुंदा में कमल का फूल खिलेगा या नहीं, भाजपा की सरकार आएगी या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। बहरहाल परिवर्तन संकल्प यात्रा के माध्यम से भाजपा अपने कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने और संगठन को चुनाव मोड में लाने में जुटी हुई है। देखना ये होगा कि परिवर्तन का यह संकल्प परिवर्तन ला पाएगा या नहीं। खबर पूरी हो चुकी है, आप इसे लाइक कर सकते हैं। ऐसे समाचार वे वीडियो लगातार पाने के लिए आप बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम नया वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा।